हिंदू धर्म के अनुसार चार युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग की आयु होती है 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग की 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग की 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। जैसे जैसे पाप बढ़ने लगता है उस युग की आयु कम होती जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई तो उस दिन द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग शुरू हो गया। माना जाता है कि वर्तमान में कलयुग का 5122वां वर्ष चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कलयुग के अंत में अभी 4,26,878 वर्ष बाकी हैं। हमारे पुराणों में पहले से निश्चित है कि कलयुग का अंत कैसे होगा और नए युग का आरंभ कैसे होगा। हमारे पुराणों में वह सब लक्षण भी बताए गए हैं जो कि कलयुग के अंत का संकेत देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी बातों की जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। हमारे पुराणों के अनुसार कलयुग में अधर्म बढ़ता जाएगा और एक दिन वह धर्म पर हावी हो जाएगा। पाप करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, हर जगह चोरी, हत्या, लूटपाट जैसे पाप बढ़ने लगेंगे। मनुष्य इतना हिंसक हो जाएगा कि एक दूसरे की हत्या करने लगेगा। जिसके पास धन होगा वो व्यक्ति ही शासन करेगा, वो ही बलवान होगा। मनुष्य दिन रात केवल धन प्राप्त करने के बारे में सोचता रहेगा। स्त्रियां व पुरुष अपने धर्म का पालन करना छोड़ देंगे। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन जैसे रिश्तों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएगा। स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में बच्चे को जन्म देने लगेंगी। मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच रह जाएगी। धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि लोग जमीन में गड्ढे खोदकर रहना शुरू कर देंगे। प्रकृति धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी, पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे। धरती का उपजाऊ अंश 5 से 7 फीट अंदर चला जाएगा। अन्न की इतनी कमी हो जाएगी कि लोग भूख से दम तोड़ने लगेंगे। गायें व भैंस बकरी की तरह छोटे हो जाएंगी, दूध देना बंद कर देंगी। सभी देवी देवता पृथ्वी लोक छोड़कर चले जाएंगे। गंगा सहित सभी नदियां सूख जाएंगी, पृथ्वी रहने लायक बचेगी ही नहीं। सब खत्म हो जाएगा एक दिन। जब धरती पर केवल अधर्म रह जाएगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में धरती पर आएंगे और सभी पापियों का नाश करके एक बार फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। धरती से कलयुग का प्रभाव खत्म करने के लिए प्रकृति 12 वर्षों तक वर्षा करेगी, जिससे संपूर्ण धरती जल से भर जाएगी। फिर 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे जो पृथ्वी के जल स्तर को कम कर देंगे, जिसके बाद एक बार फिर से पृथ्वी पहले जैसी हो जाएगी। नया युग आरंभ होगा जिसे सतयुग कहा जाएगा, जिसमें मनुष्य फिर से जन्म लेगा, लेकिन इस बार अधर्म नहीं केवल धर्म श्रेष्ठ होगा। चारों तरफ धर्म की बात होगी, वेद व पुराण सर्वश्रेष्ठ होंगे। आज हम जिस कलयुग में जी रहे हैं उसका अंत तो निश्चित है, इसे हम नहीं टाल सकते, लेकिन हम इसका प्रभाव तो कम ज़रूर कर सकते हैं। जो लक्षण हमारे पुराणों में बताए गए हैं कुछ हद तक यह लक्षण वर्तमान समय में देखे जा सकते हैं। हम आज के एजुकेशन सिस्टम में इतना आगे बढ़ गए हैं कि वेदों व पुराणों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। संस्कृत भाषा एक समय पर केवल एक भाषा का नाम बनकर रह जाएगी। हमारी प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करती है और बदले में हम उसी प्रकृति को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। इन प्रतिदिन जो प्राकृतिक आपदाएं, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं वो हमें प्रतिदिन कलयुग के अंत का संकेत दे रही हैं। अभी इस अंत को बहुत समय बाकी है, लेकिन एक नए आरंभ के लिए अंत का होना तो ज़रूरी है। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।